सागर की केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज जमकर छात्रों ने हंगामा किया और विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स को केंद्रीय संगठन द्वारा निकाली जा रही भर्ती में मान्यता नहीं देने से इसके कारण इस कोर्स को करने वाले छात्रों के भविष्य प्रभावित होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन से हस्तक्षेप करके बीएस संगठन से संवाद स्थापित कर छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो और उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके दृष्टि से निकाली गई भर्ती में कोर्स को मान्यता देने की गुहार लगाई है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और केबीएस के केंद्रीय विश्वविद्यालय में संचालित कोर्स की मान्यता पर सवालिया निशान लगाने पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, जिसके तहत दाखिला लेते हुए अध्ययन कर सैकड़ों बच्चों ने अपने सुनहरे भविष्य का सपना संजोया है। इस मामले में छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से चर्चा कर उनकी समस्या का निराकरण हो इस दृष्टि से उचित प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया है। मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक वह इस मामले में केबीएस की दोहरी नीति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके कोर्स को भर्ती प्रक्रिया में मान्यता नहीं दी गई तो वह न्यायालय की शरण लेते हुए केबीएस कोर्स चुनौती देंगे। मैडम, 4 दिन हो गए, बात क्या हो रही है? नहीं हो रही बात, बात क्या? मैम, पत्रों से कुछ नहीं। अरे नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशना जैन है। आज ये जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग छात्र यूटीडी में, किस संबंध में कर रहे हो, क्या मांगे आपकी? हम लोग ये केवीएस में जो हमारा इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से, इसको केवीएस जो है अप्रूव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आरआईई वाले कोर्स को अप्रूव कर रहा है। जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आरआईई से होता है वो सिर्फ उनको अप्रूव कर रहा है, और जो हम लोग हैं एनसीटीई अप्रूव जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको ये अप्रूव नहीं कर रहा है। और हमारे बैच की एक लड़की ने केवीएस संगठन में बात की तो उन्होंने उससे बहुत ही गंदे तरीके से कहा कि आप लोग ये फर्जी कोर्स कर रहे हैं, आपके इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है, आप लोग केवीएस में नहीं आ सकते, आप लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए इस कोर्स को बहुत ही इनवैलिड बताया है, जबकि हम यहाँ पर जो सेपरेटली बीएड करते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी इस बीएड कोर्स की कोई वैलिडिटी नहीं दिखाई जा रही है। तो हमारी केवीएस से आरआईई से ये मांग है कि वो हमारे इस कोर्स को भी वैलिड करे और हमें भी उसमें अप्लाई करने की। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप लोग? हम लोग कोर्ट केस करेंगे, आगे जाएंगे कि मतलब हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले। क्यों आप यहाँ पर यूटीडी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो कोर्स होता है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, वह वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन में आई हुई भर्तियों में इस कोर्स की कोई वैधता नहीं है तथा इसके कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया है। और बात यह है कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें हमारे कोर्स का कोई भी जिक्र ना होने के कारण हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अब हमारी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को समझे और आगे फॉरवर्ड करें इस मामले को और जल्दी से जल्दी हल करें। जैसे कि आपने बताया कि ये कोर्स है इसकी मान्यता नहीं है, तो फिर ये कोर्स की मान्यता है? कोर्स की मान्यता है लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको शॉर्ट में केवीएस कहते हैं उसमें इस कोर्स की मान्यता नहीं है, अर्थात आने वाले समय में इस कोर्स को अन्य संस्थान भी बैलेट मानने से मना कर सकती हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? 4 साल यहाँ बच्चे जब इतना समय देते हैं उसके बाद क्या होगा? हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि बीजी में वाइस चांसलर कुलपति जी महोदया से निवेदन है कि वह इस मामले को बहुत जल्दी केवीएस हेडक्वार्टर में मुख्यालय में उनको कॉल करके कमिश्नर को और इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करें। और फॉर्म भरने की आखिरी डेट 26 दिसंबर तक है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और हम लोग आप देख ही रहे हैं कि संघर्ष कर ही रहे हैं, सुबह से बैठे हैं बच्चे, उनकी मान्यता नहीं है, मान्यता डिग्री की है लेकिन जो केंद्रीय स्कूल है ना उसमें इस कोर्स की मान्यता नहीं है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम ललित सिंह ठाकुर है, मैं यहाँ 2019 का बैच आउट हूँ